रात के 12 बज चुके हैं। सिटी हॉस्पिटल में देविका के पिता अब होश में आ गए हैं, इसलिए देविका और उसकी माँ पेशेंट वार्ड के अंदर उनके पास ही बैठे हैं। कैसे हैं पापा आप? देविका एक धीमी आवाज में अपने पिता आलोक शर्मा से पूछती है। हाँ बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, एक धीमी आवाज में देविका के पिता ने जवाब दिया। पापा आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, देविका ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन इतने में देविका के पिता थोड़ा खांसने लगे। अपने पिता को अचानक यूं खांसता देख देविका और उसकी माँ एक पल के लिए घबरा गई। पापा आर यू ओके? देविका ने घबराते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कब तक ठीक रहूंगा ये मुझे भी नहीं पता, देविका के पिता ने थोड़ा मायूस होकर जवाब दिया। क्यों पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे? देविका थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोली। इस पर उसके पापा ने कहा, बेटा अगर तुम मुझसे जरा भी प्यार करती हो तो एक वादा कर सकोगी मुझसे? अपने पिता की यह बात सुनकर देविका की आंखों से आंसू आ गए। अपने हाथों से अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए देविका ने अपने पिता से कहा, हाँ पापा मैं आपसे किया हर वादा पूरा करूंगी। बताइए, तुझे देव को बुलाकर सुरेश से शादी करनी होगी, देविका के पिता ने एक धीमी आवाज में कहा, पर इस धीमी आवाज ने भी बड़ा धमाका किया था। अपने पिता की यह बात सुनकर देविका पूरी तरह सन्न हुई, उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसे देखकर लग रहा मानो जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई हो। देविका अपने पिता की इस बात का विरोध करने के लिए आगे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इतने में उसे डॉक्टर की वो बात याद आती है, जहां कुछ देर पहले डॉक्टर ने देविका से साफ साफ कहा था कि अगर देविका के पिता से कोई ऐसी बात करेगा जिससे उनका दिल दुख गया तो ऐसे में उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए डॉक्टर की इस बात को अपने जहन में उतार कर और अपने दिल पे पत्थर रखकर देविका अपने पिता से कहती है, हाँ पापा मैं देव को बुलाकर सुरेश से शादी करने को तैयार हूँ। मुझे पता था बेटा कि तुम मुझसे यही कहेगी, आज तूने मेरी बातों का मान रखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए देविका के पिता देविका से बोले। एक तरफ देविका के माता पिता के चेहरे पर तो खुशी है, लेकिन देविका के चेहरे पर जो खुशी है वो नकली है। हकीकत तो यह है कि देविका के दिल में अभी एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा है जिस सैलाब में दर्द है उसका देव से बिछड़ने का। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन हवा में तैरते उन पत्थरों को बड़े गौर से देख रहा है जो कि नीचे आग की खतरनाक नदी के ऊपर हवा में तैर रहे हैं। अर्जुन अपनी सुपर पावर से इस खाई को पार करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से लायका उसे रोक देती है और उसकी इस बात से अब अर्जुन के भी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। रुको अर्जुन, ये क्या करने जा रहे हो तुम? तुम अगर अपनी शक्तियों के बल पर सीधा खाई के उस पार चले गए तो तुम्हें खाई के पास वो पेड़ कभी नहीं मिलेगा, लायका अर्जुन को रोकते हुए कहती है। लेकिन ऐसा क्यों मेगा? क्यों मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खाई के उस पार हवा में लटके पेड़ तक नहीं पहुंच सकता? अर्जुन थोड़ा शॉक्ड होते हुए लायका से यह सवाल करता है। जवाब में लायका अर्जुन से कहती है, क्योंकि हवा में तैरते ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर से चलकर तुम्हें उस पेड़ तक पहुंचना होगा। अगर तुमने ऐसा न करके यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया खाई के उस पार पहुंचने में, तो वो पेड़ गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने यह रास्ता बनाया है, और अगर तुमने इन अदृश्य शक्तियों के सामने अपनी शक्तियां दिखाने की कोशिश की तो वो कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा जिसकी तलाश में तुम यहाँ तक आया। लायका के इस सुझाव से अर्जुन समझ गया है कि उसे अब क्या करना है, इसलिए अब अर्जुन हवा में तैरते इन पत्थरों पर चलकर उस पेड़ तक पहुंचेगा। अब अर्जुन तैयार है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए अर्जुन एक जंप लगाकर हवा में तैरते पहले पत्थर के ऊपर पहुंच जाता है जो कि हवा में इधर उधर तेजी से तैर रहा है। अब सामने अर्जुन को एक और पत्थर दिखाई दिया जो बड़ी तेजी से उसके सामने आ रहा है। उस पत्थर को तेजी से अपने सामने से अपनी दाईं ओर जाता देख अर्जुन बड़ी ही फुर्ती के साथ एक और जंप लगाकर उस दूसरे पत्थर के ऊपर पहुंच जाता है। उस दूसरे पत्थर के ऊपर पहुंचते ही पहला पत्थर आग के एक विस्फोट के साथ गायब हो जाता है। विस्फोट की आवाज सुन अर्जुन चौंक जाता है और कहता है, यहाँ तो हर जगह खतरा ही खतरा है। अर्जुन अब समझ गया है कि हर एक पत्थर के ऊपर जंप लगाकर पिछला पत्थर आग के एक विस्फोट के साथ गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि इन पत्थरों की संख्या 7 है, जिनमें एक पत्थर तो आग के एक विस्फोट के साथ गायब हो गया। अब अर्जुन की नजर सामने हवा में तैरते तीसरे पत्थर पर जाती है। अब बिना देर किए अर्जुन उस तीसरे पत्थर पर जंप लगाकर उसके ऊपर पहुंचता है और एक बार फिर दूसरे नंबर का पत्थर आग के एक विस्फोट के साथ गायब हो जाता है। अर्जुन अब लगातार एक एक करके उन पत्थरों पर से जंप लगाकर पार करता रहता है और कुछ ही देर में वो उस पेड़ के एक कदम करीब पहुंच गया जो हवा में एक जगह स्थिर है। उस पेड़ के इतने करीब पहुंचकर आखिरकार अर्जुन की सांस में सांस आई, क्योंकि धरती के मुकाबले पिछले 5 दिनों से अर्जुन पेंडोरा ग्रह पर उस एंटीटोड की तलाश कर रहा है जो उसके पिता की जान बचा सकती है। आखिरकार मुझे वो मिल गया जिसकी तलाश मुझे पिछले काफी दिनों से थी, अब मैं इसकी मदद से अपने पापा को ठीक कर सकता हूँ, खुद बात करते हुए अर्जुन बोला। थोड़ी देर में अर्जुन की नजर नीचे जाती है जिस जगह अभी तक एक गहरी खाई नजर आ रही थी, वहां वापस से वही घास का मैदान आ गया है जो यहां आते वक्त अर्जुन को सबसे पहले नजर आया था, और अब हवा में टिका वो पेड़ अब उसी घास के मैदान के ऊपर गड़ गया है। लायका अब उस घास के मैदान के ऊपर से चलकर अर्जुन के पास आ गई है। आखिरकार तुम्हें वो एंटीटोड मिल गया जो तुम्हारे पिता की जान बचा सकता है, लायका ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। हाँ, और ये सब तुम्हारी बदौलत पॉसिबल हुआ मेगा, तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं इसे कभी हासिल नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए, अर्जुन ने लायका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ अर्जुन, और दोस्तों से
शुक्रिया नहीं बोला करते, आइंदा से अगर तुमने मुझे शुक्रिया बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एक मजाकिया अंदाज में लायका ने अर्जुन से कहा। हाँ हाँ बाबा ठीक है, अब से नहीं बोलूंगा, मुस्कुराते हुए अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन ये एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर अपार शक्तियां मौजूद है, इसलिए तुम्हें जल्दी से इस पेड़ के इन फूलों को तोड़ लेना चाहिए, वरना तुमने ऐसा करने में जरा भी देर की तो ये पेड़ अभी का अभी गायब हो जाएगा, लायका ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। हाँ तुम ठीक कहती हो मेगा, मैं अब जल्दी से इसके फूलों को तोड़ लेता हूँ। ऐसा कहते ही अर्जुन उस पेड़ पर लगे फूल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लायका उसे ऐसा करने से रोकती है। रुक जाओ अर्जुन, लायका ने अर्जुन को रोकते हुए कहा। क्या हुआ मेगा, तुमने मुझे यूं अचानक पेड़ के फूल तोड़ने से रोका क्यों? अर्जुन थोड़ा शॉक होते हुए बोला। जवाब में लायका ने अर्जुन को बताया, तुम्हें याद है धरती से पेंडोरा ग्रह आने से पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था, मैंने तुम्हें एक जगह का नाम बताया था, साथ ही मैंने तुम्हें इस दवा का नाम भी बताया था जो इस पेड़ पर मौजूद है, तुम्हें इस जगह और इस दवा का नाम याद है? हाँ, इस जगह का नाम तुमने मुझे जोंड्रा बताया था और इस दवा का नाम शिकोबा, अर्जुन ने लायका से कहा। बहुत अच्छे अर्जुन, तुम्हें यह सब याद है जो मैंने तुम्हें बारीकी से धरती पर पहले ही बता दिया था, लायका ने अर्जुन से कहा। लेकिन अर्जुन ये सोच में पड़ गया जिसका कारण है लायका से उससे जगह और दवा का नाम पूछना। जोंड्रा और शिकोबा को लेकर अब अर्जुन के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे हैं, जिसमें से एक सवाल अर्जुन लायका से करता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई मेगा, तुमने मुझसे इस जगह और दवा का नाम क्यों पूछा? वो इसीलिए अर्जुन की जोंड्रा और शिकोबा के नाम से ही तुम इस पेड़ को छूकर इसकी दवाई को यहाँ से ले जा सकते हो, नहीं तो पेड़ तुम्हें अनजान समझ लेगा। लायका की ये बात अर्जुन को कुछ खास समझ नहीं आई, इसलिए अर्जुन ने एक बार फिर लायका से पूछा, आखिर क्या है जोंड्रा शिकोबा इस नाम पर ऐसा जो इनके नाम मेरे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हें जोंड्रा शिकोबा इस नाम को 7 बार इस पेड़ के सामने खड़े होकर लेना होगा, इसके बाद ही तुम इस दवा को अपने साथ ले जा सकते हो, लायका ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। जवाब में अर्जुन ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और 7 बार जोंड्रा शिकोबा नाम लेकर उस पेड़ के फूलों को तोड़ लिया, जो कि वहां चारों ओर अपनी तेज चमक बिखेरे हुए। अर्जुन ने तकरीबन 7-8 फूलों को उस पेड़ से तोड़ा और फिर उन सभी 7-8 फूलों को अपने हाथ में पकड़ लिया। अगले ही पल अर्जुन ने देखा कि वे सभी 7-8 फूल ने अब एक दवा का रूप ले लिया है, जो कि एक कांच के शीशी के अंदर बंद है। उस दवा को पाकर अर्जुन अब बेहद खुश है। अपनी खुशी का इजहार लायका से करते हुए अर्जुन लायका को गले लगा लेता है। लायका ये देख चौंक जाती है, अर्जुन का यूं उसे गले लगाना उसे काफी सुकून पहुंचा रहा था। तभी अचानक ही अर्जुन को कुछ ख्याल आता है और वो लायका से अलग हो जाता है। मेघा मैं अब बता नहीं सकता अपने दिल की हालत को, मैं अब बेताब हूँ मेघा इस दवा से अपने पापा को ठीक करने के लिए, अर्जुन ने खुशी से कहा। हाँ अर्जुन, अब तुम्हारे पिता इस दवा से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, तुमने बहुत मुश्किलें सही है, लायका ने अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहा। जवाब में अर्जुन ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और अगले ही पल अपनी सुपर पावर से एक उड़ान भरकर अर्जुन और लायका वापस अपने शहर मैरिन आ गए। इधर धरती पर रात के 2 बजे देविका अपने पिता आलोक शर्मा और साथ में माँ को लेकर घर वापस आ गई। अपने पिता को उनके कमरे में छोड़कर देविका अब अपने कमरे में वापस गई। अपने कमरे में वापस पहुंचकर देविका ने दरवाजे की कुंडी लगाई और तेजी से भागते हुए अपने बेड पर पहुंचकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि देविका हालातों से मजबूर होकर देव को बुलाकर सुरेश से शादी करने को तैयार हो गई थी। अचानक उसे सुरेश का ध्यान आता है, क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है सुरेश उससे शादी न करना चाहे, इसलिए वो इतनी रात गए सुरेश को फोन लगाकर शादी के बारे में उसकी राय जानना चाहती है। देविका उठकर टेबल के पास जाती है और फिर देविका टेलीफोन उठाती है और सुरेश को फोन लगाने लगती है। घंटी बजती है। इतनी रात गए सुरेश अभी घोड़े बेचकर सो रहा है, इसलिए उसे फोन की घंटी नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन देविका एक बार फिर सुरेश को फोन मिलाती है और तभी सुरेश उठ खड़ा होता है। हाय राम, इतनी रात गए कौन हो सकता है, सुरेश ने अंगड़ाइयां भरते हुए कहा। ऐसा कहते ही वो अपने पास में रखे टेलीफोन को उठाता है। हेलो कौन, सुरेश के ऐसा कहते ही फोन की दूसरी तरफ से देविका कहती है। हेलो सुरेश, मैं बोल रही हूँ देविका। हाँ देविका, इतनी रात गए तुमने फोन किया, क्या बात है, सब कुछ सही तो है? फोन पर सुरेश ने कहा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है सुरेश, एक तेज आवाज में देविका बोली। कैसी जरूरी बात, मैं कुछ समझा नहीं, वैसे अभी काफी रात हो चुकी है, अगर हम कल मिलकर इस टॉपिक पर बात करें तो कैसा रहेगा देविका, सुरेश ने देविका से कहा। नहीं नहीं, मैं इस बात के लिए कल तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे जो कुछ भी कहना है वो मैं आज ही कहूंगी, तेज आवाज में देविका ने कहा। देविका की बात सुन सुरेश ने मन ही मन खुश होकर कहा, ये हुई ना बात सुरेश बाबू, अब देविका तुमसे ही शादी करेगी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुरेश ने देविका से कहा। हाँ कोई बात नहीं, तुम अभी मुझसे वो जरूरी बात करना चाहती हो तो कर सकती हो, वैसे देविका बात क्या है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अचानक देविका के मुझसे ये बात सुनकर सुरेश थोड़ा शॉक्ड हुआ, पर अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा था। सुरेश ने थोड़ा घबराकर नाटक करते हुए कपकपी आवाज के साथ बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो सुरेश, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? एक बार फिर देविका ने सुरेश से कहा। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया देविका? देविका ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, हुआ क्या है? देखो देविका मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि क्या हुआ, तुम अचानक ऐसे ही बातों को घुमा फिरा कर करोगी तो मुझे मजबूरन फोन कट करना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा होकर सुरेश ने जवाब दिया। सुरेश की इस बात पर देविका उसे सारी बातें बताती है कि उसके माता पिता ने उसकी शादी सुरेश के साथ करने को कहा है और उसने भी अपने पिता से सुरेश से शादी करने के लिए वादा किया है। देविका की ये बातें सुनकर सुरेश मन ही मन खुश होता है और अपने मन में सोचते हुए सुरेश खुद से कहता है, मैंने कहा था ना देविका कि तुम्हें एक दिन मेरे पास चलकर आना होगा, लेकिन ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ सुरेश, तुम चुप क्यों हो गए? देविका ने सुरेश से पूछा। देविका अगर तुम मेरा कहना मानो तो
हमें इस टॉपिक पर कल बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं फोन पर नहीं दे सकता। आई एम सॉरी देविका, बाय, गुड नाइट। ऐसा कहते ही सुरेश ने फोन कट कर दिया। फोन काटते ही सुरेश बेड पर ही उछलने लगता है और नाचने लगता है। यस यस, अब हुई ना बात, अब मेरी और देविका की शादी होगी और देव करेगा मेहमानों का स्वागत। यस, सुरेश ने अपनी आंखों से फ्यूचर देखते हुए खुद से कहा। अर्जुन लाइका के साथ उस एंटीटोड को लेकर उसके शहर मैरीना वापस आ गया है। अर्जुन रूम पर अकेला बैठा हुआ है और अपने मन ही मन कुछ पुरानी यादों की तस्वीरें ताजा कर रहा है। तभी इतने में लाइका उसके रूम में एंटर होती है। अपनी ही धुन में मदहोश अर्जुन लाइका को उसके रूम में आने का एहसास तक महसूस नहीं कर पाता, जिसे देखकर लाइका एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी उसे यह एहसास हो जाता है कि हो ना हो अर्जुन अपने पिता के बारे में अभी कुछ सोच रहा है। वो अर्जुन की आंखों के सामने दो बार चुटकी बजाते हुए उसे कहती है, क्या बात है अर्जुन, क्या सोच रहे हो, आज किसकी याद आ रही है तुम्हें? कुछ नहीं बस, ऐसा कहते अर्जुन रुक जाता है। मैं जानती हूँ अर्जुन, तुम अभी अपने माता पिता को याद कर रहे हो, है ना? लाइका ने अर्जुन से पूछा। नहीं नहीं, मैं अभी अपने माता पिता को याद नहीं कर रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन के इस जवाब से लाइका थोड़ा हैरान हुई। उसने अर्जुन से पूछा, तो फिर तुम किसे याद कर रहे थे? कहीं अपने किसी दोस्त को तो याद नहीं कर रहे थे तुम? या हो सकता है वो तुम्हारा प्यार हो जिसकी अभी तुम्हें याद आ रही हो? अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए एक मजाकिया अंदाज में लाइका ने अर्जुन से पूछा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, अर्जुन ने एक सिंपल सा जवाब दिया। और इस जवाब को सुनते ही लाइका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो कौन है वो खुशनसीब जिसकी यादें इस ग्रह में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही? आखिर मैं भी तो जानूं उसके बारे में, वरना तुम कहां बताने वाले हो मुझे? लाइका, हम दोनों के बीच वक्त और हालात कुछ ऐसे बन गए थे जिस वजह से मैं तुम्हें काम्या के बारे में नहीं बता पाया। खैर, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें काम्या के बारे में बताना चाहिए। अर्जुन के मुंह से काम्या का नाम सुनकर लाइका के दिल में सैलाब उमड़ने लगा। और यह सैलाब है अर्जुन से खुद के प्यार का इजहार न कर पाने का, और यह सैलाब है अर्जुन का काम्या को चाहने का, जिसका दर्द उसे हो रहा है। अर्जुन भले ही काम्या से प्यार करता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि लाइका अर्जुन से प्यार करती है, जिसका इजहार उसने कभी भी अर्जुन से नहीं किया। अपने सीने में गहरा दर्द लिए बावजूद लाइका हल्की सी झूठी मुस्कुराहट के साथ अर्जुन से कहती है, बहुत खुशनसीब है वो लड़की काम्या जिसे तुम जैसा चाहने वाला मिला अर्जुन, काश ऐसा हो पाता। इतना कहते ही अर्जुन रुक गया। काश ऐसा हो पाता मतलब? मैं कुछ समझी नहीं अर्जुन, थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए लाइका ने अर्जुन से पूछा। वो बात कुछ ऐसी है मेघा कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि काम्या मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। अरे अब तक तो वो फ्यूचर में उसने किसी और साथी को चुन लिया होगा, पर मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं फ्यूचर में कब वापस जाऊंगा और कब काम्या से मिलूंगा या कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। एक मायूसी भरी आवाज में अर्जुन ने लाइका को जवाब दिया। तभी बातों ही बातों में लाइका को कुछ ध्यान आया। उसने एक बार फिर शैतानों के हमले का जिक्र अर्जुन से किया, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में धरती पर शैतानी शक्तियों का हमला होने जा रहा है। वैसे तुम्हें मैंने बताया था ना अर्जुन कि कुछ ही दिनों में शैतानी ताकतें धरती पर हमला करने जा रही हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी धरती की ओर रवाना होना चाहिए। हाँ मेघा, तुम ठीक कहती हो, मुझे अब जल्दी धरती की ओर रवाना होना होगा, जहां मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज अपने पिता को उस खतरनाक वायरस से मुक्त करना है और दूसरा चैलेंज शैतानी शक्तियों से धरती के लोगों की रक्षा करना है। अर्जुन ने अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ और एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ लाइका को जवाब दिया। इस पर लाइका ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये देख अर्जुन को अजीब लगा। क्या हुआ अब तुम्हें, तुम खामोश क्यों हो गई? अर्जुन ने लाइका को देखकर कहा। इस पर लाइका ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, प्यार करते हो तुम उस लड़की? हाँ हाँ बहुत। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनना चाहोगी? अर्जुन ने कहा। हाँ बोलो, लाइका ने शांत भाव से जवाब दिया। उसका और तुम्हारा चेहरा एकदम एक जैसा है, मतलब शुरू में मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया था। जब तुम काम्या से मिलोगी ना, तब देखना कितना मजा आएगा। अर्जुन बस अपने मन की बातें कहे जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि लाइका को कैसा फील हो रहा है। ठीक है अर्जुन, चलती हूँ। इतना कहकर लाइका कमरे से निकल गई और बाहर जाते ही दीवारों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसका यह सबसे बुरा दिन था। इधर धरती पर सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन देविका की आंखों में अभी भी देव की पुरानी यादें ताजा हो रही है। देविका की आंखें अब हल्की हल्की लाल पड़ रही है। उसे देखकर पता चलता है कि रात भर उसे नींद नहीं आई है। तभी उसके जहन में एक बार सुरेश का ख्याल आता है। कल सुरेश ने मुझसे शादी के लिए डायरेक्टली हाँ तो नहीं कहा? हाँ, उसने बोला था कि कल इस बारे में बात करूंगा। आज मुझे सुरेश से मिलना होगा और इस बारे में बात करनी होगी, तो ही ये कन्फर्म हो पाएगा कि सुरेश मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं, अपने मन में सोचते हुए देविका खुद से कह रही है। तभी देविका की माँ उसके रूम में एंटर होती है। उसकी नजर देविका पर जाती है। देविका को देखकर उसकी माँ समझ रही है कि हो ना हो उसकी बेटी देविका अभी देव के बारे में ही सोच रही है। थोड़ा तेज आवाज में देविका को देव की यादों से बाहर निकालने के इंटेंट से देविका की माँ बोली, क्या बात है बेटा, आज रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं जाना क्या? देखा ना 8 बज गए हैं। अपनी माँ के ऐसा कहते देविका सामने दीवार में टंगी घड़ी को एक नजर देखती है। हाँ माँ, आज इतनी जल्दी 8 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। एक धीमी आवाज में दीवार पर टंगी उस घड़ी को देखते हुए देविका बोली, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है आज तू? अरे हर रोज तो तू टाइम पर उठ जाया करती थी, लेकिन आज 8 बजे तक तूने बिस्तर नहीं छोड़ा। चल अब जल्दी उठ जा और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए रेडी हो जा। देविका की माँ देविका से ऐसा कहकर उसके रूम से बाहर चली जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद अपने रूम में पहुंचकर देविका
एक बार फिर सुरेश को फोन लगाती है। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज के साथ फोन की बेल जा रही है और कुछ ही सेकंड में दूसरी ओर से सुरेश फोन उठाता है। हाँ बोलो देविका। फोन के दूसरी ओर से सुरेश ने जवाब दिया। क्या तुम अभी आधे घंटे में मुझे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में मिल सकते हो? देविका ने एक धीमी आवाज में सुरेश से कहा। हाँ क्यों नहीं, पर हुआ क्या? सुरेश ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया। वहीं बताती हूँ, मैं अभी घर से निकलती हूँ, बाय। ऐसा कहकर देविका ने फोन रख दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद देविका अपने घर से बाहर निकली। आज उसके हाथों में उसके पिता की कार की चाबी है, जिसका मेन कारण उसकी कार का खराब होना है, जो कि अभी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर पार्किंग में खड़ी है। करीब आधे घंटे बाद देविका उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है। सुरेश बार बार अपने बाएं हाथ में पहनी घड़ी को देख रहा है, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि आज देविका पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। आखिरकार वो दिन आज आ ही गया जिसका मैं सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेचारा देर न जाने किस हालत पर होगा, और क्या पता वो अभी जिंदा है भी या नहीं। खैर, अब अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर ले ही लेता हूँ। तू जहाँ भी है खुश रहे मेरे दोस्त, तू चिंता मत कर, तेरी गर्लफ्रेंड मैं संभाल लूंगा। अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाते हुए सुरेश खुद से बातें करते हुए कह रहा है। तभी अचानक वहां पर देविका आती है। अरे देविका आ गई तुम? सुरेश थोड़ा घबराते हुए बोला। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत सुरेश के साथ अभी बिल्कुल फिट बैठ रही है। पर यही नहीं, अभी उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। तुम अपनी जगह से उठ क्यों गए सुरेश? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, देविका ने एक तेज आवाज में सुरेश से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर घबराया हुआ सुरेश बातों को घुमा फिराकर देविका के सामने पेश करता हुआ बोला, तुम्हें आने में इतनी लेट क्यों हुई देविका? ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, मैं यहाँ तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ, तुम प्लीज मेरी बातों का जवाब दो, एक तेज आवाज में देविका ने कहा। हाँ क्यों नहीं, क्या पूछना है, पूछो मुझसे, एक धीमी और शांत आवाज में सुरेश ने देविका से पूछा। अब इतना तो अनजान मत बनो सुरेश, मैं कल रात को फोन पर कहा था ना तुमसे कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? देविका ने एक बार फिर कल रात वाला सवाल सुरेश से किया। जवाब में सुरेश अपनी नजर नीचे झुकाए हुए देविका से बोला, हाँ। सुरेश के मुंह से देविका से शादी के लिए हाँ सुनकर देविका पूरी तरह शॉक्ड होगी। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि सुरेश उससे शादी करना चाहता है। सुरेश, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं देव से प्यार करती हूँ और हमेशा देव मेरे दिल में रहेगा। अगर मैंने अपने पापा से तुमसे शादी करने का वादा ना किया होता तो मुझे ये दिन कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि क्या तुम भूल गए देव को, उसकी दोस्ती को, जिसे तोड़कर तुम एक ही पल में अपने दोस्त के पीठ पीछे मुझे हासिल करने के ख्वाब देख रहे हो? देविका के इस सवाल से सुरेश थोड़ा गुस्सा होकर अपनी चेयर से ऊपर उठ गया और अगले ही पल एक तेज आवाज में देविका से बोला, अरे किस दोस्त की बात कर रही हो तुम? वही दोस्त ना जो अभी कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। अरे देव अब जिंदा है भी या नहीं ये भी किसी को नहीं पता, तो ऐसे में मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो क्या गलत किया? अच्छा हुआ आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान का चेहरा छिपा है जो मुझे पाने के लिए अपनी दोस्ती का गला घुटने को तैयार है। गुस्से में देविका ने सुरेश से कहा और ऐसा कहती है देविका अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से बाहर आने लगी। तभी सबके सामने सुरेश ने देविका का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो देविका, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम ऐसे भाग नहीं सकती। इधर पेंडोरा ग्रह पर अर्जुन की बातों से लायका हार्ट हो गई थी और कमरे से बाहर निकल आई थी, और ये बात अर्जुन को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। तकरीबन 10 मिनट बाद अर्जुन लायका से बात करने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद वो धरती की ओर रवाना होने वाला है। अर्जुन अभी बाहर निकला ही था कि इतने में अर्जुन बाहर देखता है कि सैकड़ों पेंडोरा वासी अर्जुन की विदाई के लिए तैयार खड़े हैं। सभी के चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि उन सभी को अर्जुन का पेंडोरा ग्रह से वापस धरती पर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। उन सभी पेंडोरा वासियों को अपने सामने पाकर अर्जुन को कुछ खास समझ नहीं आया। तभी उसने सामने लायका को देखा। ये इतने सारे लोग आज यहाँ क्यों आए मेगा? अर्जुन का सवाल सुन लायका उसके पास आती और कहती है, ये सब लोग तुम्हें विदा करने आए अर्जुन, क्योंकि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो धरती से हमारे प्लेनेट पेंडोरा पर आए हो, तुम इनके मेहमान हो अर्जुन, इसलिए शायद तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इन सभी पेंडोरा वासियों का तुम्हारे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा है। लायका की बातें सुनकर अर्जुन एक तेज आवाज में उन सभी पेंडोरा वासियों से कुछ कहता है जो लोग अभी उसकी विदाई के लिए बाहर खड़े हैं। जितना खूबसूरत आप लोगों का ये पेंडोरा ग्रह है उससे कहीं अधिक खूबसूरत आप लोग हैं, आपका व्यवहार है मेरे लिए, वरना एक अनजान धरती वासी को इतना प्यार देना ये सचमुच सपने जैसा है मेरे लिए। आप लोगों ने आज मेरी तमाम गलत धारणाओं को दूर कर दिया है जो इस प्लेनेट पर आने से पहले मैंने अपने धरती के बाहर की दुनिया में रहने वाले एलियंस के बारे में सोचा करता था। मुझे लगता था कि एलियंस के अंदर जज्बात नहीं होते, वो किसी इंसान के दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तुम तो ये भी मानते हो ना कि एलियंस प्यार नहीं कर सकते? तभी बीच में लायका ने अर्जुन को टुक कर कहा, पर अर्जुन को उसकी ये बात समझ नहीं आई। उसने लायका की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे यहाँ इतना प्यार दिया कि एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था कि मैं इतने दिनों से अपने घर से बाहर किसी दूसरी दुनिया में आया हूँ, मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। उन सभी पेंडोरा वासियों के ऐसा कहते ही अर्जुन लायका की ओर इशारा करता है। अर्जुन, हमें उम्मीद थी कि तुम हमें आजादी दिलाओगे, पर कोई बात नहीं, लायका के एक रिश्तेदार ने अर्जुन से कहा। पर जब तक अर्जुन ये सुन पाता सारे पेंडोरा वासी चिल्लाने लगे। अभी पेंडोरा वासियों से विदा लेकर वापस धरती की ओर उड़ान भरने ही वाला है, इतने में मैरीना शहर में चारों ओर हड़कंप मचनी शुरू हो गई। अचानक तेज गति से भूकंप के झटके
अर्जुन को भी अपनी जगह से इधर उधर धकेल रहे हैं। कुछ ही देर में देखते ही देखते मैरिनो शहर में जगह जगह विस्फोट होने शुरू हो गए। थोड़ा घबराता हुआ अर्जुन एक तेज आवाज में लाइका से पूछता है, ये हलचल कैसी है मेगा, और क्यों ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं? लगता है फिर से वो आ गए। चलो अर्जुन, चलो कहीं छिप जाते हैं, तुम थोड़ी देर बाद चले जाना। अर्जुन का हाथ पकड़कर लाइका ने कहा, लेकिन मेगा तुम ये मुझे कहां लेकर जा रही हो और कौन आ गया, तुम किसकी बात कर रही हो? अर्जुन ने थोड़ा शॉक्ड होते हुए लाइका से पूछा। अभी कुछ ज्यादा बताने का समय नहीं अर्जुन, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो और अभी चलो मेरे साथ। कहते हुए लाइका अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है और फिर थोड़ा शांत होकर कहती है, देखो बाहर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अर्जुन विंडो से बाहर की ओर देखता है जहाँ कुछ अजीब से दिखने वाले लोग मौजूद हैं, जिनकी बॉडी के बाहर स्टील का एक कवच लगा हुआ है जो दूर से ही चमक रहा है। देखते ही देखते वो अजीब से दिखने वाले लोग बाहर मौजूद बाकी पेंडोरा वासियों को मारने लगते हैं। इन अजीब से दिखने वाले लोगों ने लगभग 20 पेंडोरा वासियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये लोग कौन है और ये यहाँ आकर पेंडोरा वासियों को मार क्यों रहे? अर्जुन ने थोड़ा शॉक्ड होकर एक और सवाल लाइका से किया, क्या होगा आगे और क्या नहीं जा पाएगा अर्जुन धरती पर? जानने के लिए बनी रही है।